শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, আমরা সরাসরি এই আয়ুষ মেলা কমিটির পক্ষ থেকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য ওনাকে সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি। আজকে হ্যাঁ বন্ধুরা, রানীগঞ্জে প্রথম আয়ুষ মেলা, এবং এই আয়ুষ মেলার উদ্ঘাটন করছেন আমাদের বলিউড স্বনামধন্য অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাজি। ওনাকে এখন বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আপনারা দেখছেন শুধুমাত্র গৌতমের সাথে এই জানে এই আয়ুষ মেলা রানীগঞ্জ শহরে প্রথম, এবং তার উদ্ঘাটন করবেন বলিউডের স্বনামধন্য অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাজি। আপনারা দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে। कभी भी किसी सरकार की नीयत पे कभी शक नहीं करना चाहिए जब तक अंजाम ना देख लें। ये और खासकर बंगाल गवर्नमेंट और बंगाल के मुख्यमंत्री हमारी सबकी अपनी दीदी ममता बनर्जी ने इतना बढ़िया स्वास्थ्य साथी का योजना बनाकर दुनिया को दिखा दिया है और केंद्र को भी सिखा दिया है। जहां वो अब आयुष्मान भारत कर रहे हैं, लोगों से फीस लेके कर रहे हैं, रजिस्ट्री फीस, यहां पे बंगाल में जो है जो हमारी दीदी ममता जी कर रही हैं वो कर रही हैं बिल्कुल बगैर किसी फीस किसी रजिस्ट्रेशन के, सबके लिए कर रही हैं। केंद्र में आयुष्मान भारत जो है लिमिटेड लोगों के लिए, उसी तरह से जब ये ममता जी के नेतृत्व में बंगाल सरकार ने जब ये कार्यक्रम पेश किया है सामने, ये आयुष मेला का, ये बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। लोगों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि आयुष पद्धति जो है वो सस्ता सुंदर टिकाऊ है। सही माने में आप कहते हैं इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, लेकिन ये है, ये ओरिजिनल मेडिसिन है। अरे आप समझ गए, आप जिधर से बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मैं वो इशारा समझ गया मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अस्पतालों की हालत और अच्छी हो और साथ ही साथ यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल्स भी आए आसनसोल में खासकर, और हमारी कोशिश है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हो। तो अभी कोशिशें जो हमने शुरू किए हैं उसको सीधे आप क्लाइमेक्स तक अभी मत लेकर जाओ, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा है। मैं आयुष पद्धति का, आयुष डॉक्टरों का, आयुष में जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग पैगाम दे रहे हैं कि सही माने में जड़ तक, रोग की जड़ तक मानवता की सेवा करने का सबसे सुंदर पद्धति कोई है तो आयुष पद्धति है, और हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए बंगाल गवर्नमेंट के इस पहलू का हम स्वागत करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। बाकी बात फिर बाद में करते हैं। धन्यवाद। जितने लोग हैं यहाँ पे और तमाम डॉक्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन जितने लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यकीन दिलाता हूँ ऐसे किसी भी रचनात्मक काम कार्यक्रम में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये काम हो रहा है जो बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो माननीय सम्माननीय मोस्ट लव्ड रेस्पेक्टेड एडमिरेबल सबसे बढ़िया जो मासेस की लीडर हैं हमारी इतनी ममता दीदी ममता बनर्जी जी, उनके नेतृत्व में सबसे बढ़िया स्वास्थ्य साथी यहाँ जो चल रहा है ये पूरे बंगाल में, उसकी हम भरपूर सराहना करते हैं। कारण चले गए, कारण आयुष मेला। ओके, आई एम फिनिशिंग इट। ये माननीय प्रधानमंत्री ने अभी तक मेरा करीब करीब 95% से ज़्यादा रिकमेंडेशन कबूल कर लिया है
और यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है, उसको फायदा पहुँचा है। मैं इसके लिए हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन कहना ये चाह रहा था, थैंक यू। 95% ज़्यादा उन्होंने कबूल कर लिया, और ऐसा नहीं कि 5% कबूल नहीं किया है, 5% भी उनके पास पड़ा हुआ है जो आ जाएगा। मैं इस मामले में जो खासकर मैं रिकमेंड करता हूँ, आपका एक MP हूँ और साथ ही साथ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो इसका असर खामोश मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं ये कि अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि हमारे गरीब लोगों का, हमारे अपने लोगों का, हमारे मरीज लोगों का, हमारे अपने बीमार लोग हैं उनका ख्याल रखते हुए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से या प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कोटा से उन्होंने सबका किया है। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा आयुष मेला में, डॉक्टर यूनुस भी सुन रहे हैं अच्छे से, कि सबसे ज्यादा इन सारी बीमारियों में और बीमारियों को ठीक करने में अगर योगदान है तो तापस बाबू भी मानेंगे, वो है आयुष पद्धति का योगदान है। आयुष पद्धति से ठीक होते हैं, डायबिटीज हो कि हाइपरटेंशन हो कि आपको कैंसर हो, बिगनिंग में अगर आप ये कर ले, बहुत सारी चीजें हैं, हार्ट अटैक जो आजकल यंगर जनरेशन को हार्ट अटैक हो रहा है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है और पद्धति को, आयुष पद्धति को पहचानना है, उसका साथ लेना है, उसका साथ लेके और बिगनिंग में ही आपको उसका साथ लेना है ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और जैसा मैंने कहा, सस्ता सुंदर टिकाऊ ये आयुष पद्धति हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको काम आती है। इसलिए आज आयुष मेला का उद्घाटन करते हुए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, शुभ संदेश, शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं, और मंच पे उपस्थित तमाम लोग जो हमारे आदरणीय हैं, माननीय। हाय बंधुरा, रानीगंज शहरे यही प्रथमवार आयुष मेला এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে আয়ুষ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আপনাদের আমি দেখালাম যে এই আয়ুষ মেলার উদ্ঘাটন করেছেন স্বনামধন্য অভিনেতা সতরঞ্জন সিনহাজি এবং তার সাথে আমাদের রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস ব্যানার্জি। আপনারা অতি অবশ্যই কিন্তু আসবেন এই রানীগঞ্জের আয়ুষ মেলাতে, সাথে থাকুন গৌতমের সাথে।